हम खा रहे हैं नींबू। तो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे, आज सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मुंह धोने में भी डर लग रहा है। ये देख लो कुछ ऐसे, मैं तो धो ही लिया खतरनाक तरीके से। ओहो, ठंड नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रहा है, धो धो फटाफट। हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30, हमें घर से निकाल दिया गया है आज और हमें भेज दिया गया है इनके साथ, ये घोड़ों के साथ। बोला इनको जा करके लोड करके आओ, देख रहे हो आप ये दशा हो गई हमारी यहाँ की। कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है यहाँ की, और इतनी ज्यादा ठंड है। आ, आ, कहाँ तली जानो, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पे। तो अभी हम ब्लॉग एडिट कर रहे थे कल वाला, बट फिर हमें बोला कि घोड़ा लोड करके आओ, फिर हम नीचे आ गए। तो मुंह धोने में इतना ज्यादा ठंडा लग गया ना, बाय गॉड, थोड़ा सा हल्का हल्का धोया यार बस, फटाफट धोया हम लोग नीचे आ गए मस्त हो गए। लोकेशन देखो, ये देखो गाइज, ये हमारा डब्बू, वो आगे से जा रही है जो वह रानी है, और ये हमारा कुल्लू है। कुल्लू ने मुंह नहीं धोया, कुल्लू इतना देख, कुल्लू धोया धोया, कन्नू ने भी धो दिया, मैंने भी धो दिया। चलो वहां से घोड़े लोड करने, और जहाँ कल हम कटिंग कर रहे थे वहां वहां तक छोड़ना है। तो बस चल रहे हैं, मजा आएगा ना बिड़ू। अरे लात मारो, और इनके नजदीक नहीं जाना क्योंकि लात मारते हैं बिड़ू। चलो घोड़े ऐसे हकाते हैं ऐसे, चल हो हो। जय माता भगवती। ये हमारे यहाँ नीचे देवी माता का मंदिर है, जय मैया, अखरोट का पेड़ साथ में। और यहाँ पर ये जो सीमेंट है ना, ये सीमेंट लोड करना है इनमें। सुबह सुबह ना यहाँ से महादेव के दर्शन हो जाते हैं, और इस वाले लैंटर में जो घास रखी हुई थी वो लूटा लगा दिया वहां पे, देखो लग गया। चलो फिर अब अंदर चलते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो देखते हैं फिर, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी, उसके बाद फिर काम ही इतना हो जाएगा हमारे पास, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल हम आ चुके हैं चूल्हे में, चूल्हे में देखो बढ़िया सी आग जली हुई है, आग सेक रहे ऐसे, और अगर पट्टों से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसमें बन रखा है डुबुक। यहाँ आके हमें भटके डुबुक रोज खाने को मिल जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, और तुम लोगों को भी देखने को मिल जा रहे हैं। खाने को तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट भटके डुबुक कुछ ऐसे ही होते हैं, आप लोग देख लो। ठीक छो, इसमें बुआ और भौजी और दादा तीनों का बहुत ही भरपूर मात्रा में प्यार है इसमें, चावल भात इसमें भात। और ये देखो यहाँ पर आग तातने के लिए सकट में कोयल बना रही है बुआ ने, बुआ तो देखो मस्त पराठे बना रखे हैं हमारे लिए खाने के लिए, और भटके डुबुक भात और पालक पनीर, तीनों चीजें फटाफट खाते हैं, फिर काम पे भी जाना है। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा भाई, मस्त एकदम। और बुआ बार देखो चुलफना क्या कर रही है, ये फुकड़ी से फूक रही है, और उसमें जो रखा हुआ है तौली में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है तौली और कंटर। चलो 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 चल 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 ठेप 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 मार 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 ओ भाई, आजा आजा आजा, चल चल। शिनू शिनू की जीप कैसे लपलपाई देखो, खाना खाने के लिए आ गया शिनू, ले खा शिनू, खा 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 ले खा ले खा ले, खा यार खा, कर रहा शिनू। गाइस देखो बुबू क्या कर रहे हैं, मैं चुपचाप वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बुबू गुस्सा करते हैं। ये देखो बुबू निकाले दाऊ, ठीक करो बुबू। हो डेली जितना भी सब बच जाता है ना, तो ये बकरियों को खिला दिया जाता है कुछ ऐसे ही। देखो कश है ना, लप लपान हो, बचे ना बचे इनके लिए तो व्यवस्था चाहिए ही चाहिए इन सब के लिए, और एक और तो भैंस के लिए भी। और ये देखो ये पाठ दूध पी रहे हैं, और आम नाती झोगड़ भी हो रहा है यहाँ पर, ये नाती या आमा झोगड़ भी हो रहा है।
सुंदर लगा था। हाँ ये देखो गाइस इनका झगड़ा हो गया, ये देखो इनका झगड़ा हो गया। वो वीडियो में देखिए थोड़ी रील बनाऊंगा, थोड़ी सी कराना है। तो पीछा ली डिलीट कर दो। अरे लाल दम आ रहा। ये वाला जो पेड़ है ना, ये 35 साल पुराना पेड़ है, इसके हमने कटिंग कर चुके हैं ऊपर तक जाके तो बढ़िया तरीके से, और इसके सारे कीड़ वगैरह भी उठा दिए। यहाँ देखो ये सारे बसर निकाल दी गई है। ये है संतरा का पेड़, और संतरा के पेड़ की सारे गंजा कर दिया इसको, बीच में से सारी बसर निकाल दी। ये देखो हमारे बुआ का एक, चलो सारे भानकुन निकाल है ली बुआ लाल आज दुकान खोलन थी। गाइस ये जो डलिया है ना, यो डाल को बुआ को तो साल लगाना 15-20-25 साल लगाना ने है, तो कम से कम इस वाले डलिया को ना 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल दो और तोड़ना। वो बल्ले कूका जाती नहीं 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 मत खा मत खा मत खा। तूने बताया इसको मेरा घर चाहा भी जा। थोड़े थोड़े रील बनाए रील आने आज को समझ में खा दूंगी तब बनाएगा रील। लोग लोग ही तो बेच। हमारा रोज का ड्रामा शुरू हो गया। हम खा रहे हैं नींबू, ये देख लो आई अमूल के काम नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा बहुत ही कटिंग कर रखी है, ये देख लो, और ज्यादा भी नहीं कर रखा। और ये देखो है ना, मतलब पूजू के आने का फायदा तो हमें यही है बस, हमें रोज नींबू खाने को मिल जा रहा है बढ़िया तरीके से, और भैंस के तबेले में बैठ के हम नींबू खा रहे हैं। भौजी मने की बात। ये देखो भैंस बगल में ही बैठ रखा है, हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। थोड़ी मन अल्लाह ललचा हाँ, ये परात देख बेर इसका जो टेस्ट है ना, क्या बताऊं इसका टेस्ट। इसमें बहुत सारा आइटम डाला हुआ है, मलाई, सिर्फ मलाई मलाई दही डालो। ओ भाई औसम कुल्लू को दे थोड़ी थोड़ी आजा। अभी थोड़ी भीमू खाने में व्यस्त है, और थोड़ी ने आप जल्दी आओ, और थोड़ी ने देख दिया है आप क्या कटोरी और कटोरी मन लगे को खाना। हाँ थोड़ी को हेम पुष्पा खिलाओ तभी थोड़ी मस्त हो जाएगी।
तुम ये इसका कलर थोड़ा अलग है। तो वाला का बुआ लून का बिहारी दूर ना थोड़ी पहन मछ तो गाइज अभी दिन के 2 भी नहीं बजे हुए, फिलहाल हमारा ये सारा काम धाम हो चुका है। नारंगी के पेड़ों की कटिंग भी हो चुकी है, आड़ू के सारा सामने हिमालय पर्वत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस वक्त, और धूप देखो सामने की तरफ है। कल हम वहाँ काम कर रहे थे तो बहुत अच्छी धूप थी, आज यहाँ बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। देख लो भैया हम चाह पेड़ डाल रहा हूँ और यहाँ आग जल गई है इतनी जल्दी, सबके सब भूत चाय पीने वाले। ये तू चाह कोई पीनी छुए, ये देखो गाइस भौजी तुमुल का तो ले रहा, तुमुल कम ले रहा, ये तू जो ले रहा है ये देखो भौजी कम चाह पी रही है, तू ले भी लेने एक गिलास ला। चलो कोई बात नहीं, अरे पहाड़ी तो है पर चाह पीने लीजिए थोड़ी पहाड़ी होनी। ये देखो हम फर्स्ट क्लास आग लता दू, हाय 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 ठीक छू। चलो ओके बाय, वो बाय कर दियो, ओके बाय बाय करो भाजी बाय करो। चलो ठीक छो, चलो ठीक छो, ओके बाय सी यू, खुला भोन आ लिया पक्का, चलो ठीक है। मैं तो नहीं रहा आज तो, अब मैं ब्याह करने जब देख लो दोनों ले आना, ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, दोनों कार्ड वैल्यू लेके आ। चलो सी यू टेक केयर, चार लिए था दीदी ले दीदी, हां मतलब चार एक के। फिलहाल हम लोग आज चल चुके हैं घर को और अभी दोपहर के 2:30 लगभग बज रहा है, तो 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तो वहां जाने जाने तक भी ठंडा ही हो जाएगा यार ऑलमोस्ट, तो अभी बाइक से जाना है, ठंड हो रही है, ग्लव्स वगैरह रख लिया हम लोगों ने। अरे फिर यहाँ चढ़ाड़ यहाँ पर देख रहे हो कैसे कैसे रास्ते होते हैं, यहाँ से भ्यो है पूरा का पूरा और ये जरा सा रास्ते हैं, इसी में घोड़े चलते हैं लोड लेकर के, और ये देखो थोड़ा सा ही जगह पर आने पर बैंड हो जाता है इतनी जगह, यहाँ पर से अलग ही ये रास्ता बना रखा सुअर ने अपने लिए शॉर्टकट, और ये लॉन्ग कट हमारा और घोड़ों के लिए है। बाइक सामने खड़ी हुई है आज, ये दूसरी बाइक पता नहीं कौन से भाई की है, ये गोबर की ऐसे तैसे कर रखी है, सारे सुअर के काम है ये। ठंडी हो रही है क्योंकि क्या गजब हो रही है, क्योंकि बाप रे जय। तो गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे कफुल्टा वाली रोड में, ये वाली जो रोड जाती है ये सीधे बुल्लाकोट को होते हुए पंगुड मिल जाएगी, और यही रोड आगे से घूम के यहाँ नीचे से होते हुए ये नीचे मार्केट जाएगी, वहाँ मार्केट पर यानी कि हमारी रातीघाट वाली मार्केट है वो नीचे, और हमारा घर है वो सामने जहाँ पर व्हाइट कलर का पॉली हाउस दिख रहा है उसके ठीक नीचे से, घर तो नहीं दिख रहा है बट वहाँ देखो कितनी प्यारी धूप आ रखी है, यहाँ पे भी और जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर से अंधेरा हो गया था, तो बस और यहाँ पर आंवला इतना बढ़िया हो रखा है बिल्कुल ऐसे लटक रखे ना आंवले, मतलब पूरा पेड़ ऐसे झुका हुआ है खतरनाक तरीके से, आंवला ही आंवला हो रहा है उसमें मस्त। कल वाले ब्लॉग में भी आपने आंवले देखे होंगे, अभी पहाड़ों में आंवला चल रहा है और कटिंग का काम चल रहा है, फिलहाल मैंने ग्लव्स पहन रखे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाइक में, तो बस हम यहाँ पर जिस देखने के लिए आए थे कि इधर सोलिंग हो रही है नहीं हो रही है, बट यहाँ पर हो रही है और अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से फटाफट। चलो भाई
काटन से शॉर्ट कर लेंगे। फिलहाल हम लोग अपने रास्ते वाले घर वाले रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये देखो कन्नू, और ये देखो इतना बड़ा कट्टा हम लोग लेकर के आए हैं बाइक पे, और साथ में बैग तो इतना भारी ऑलरेडी था। तो बस कन्नू यहाँ से जाएगा, ओके बाय। मैं भी अब घर चलता हूँ फटाक से, और फिर देखते हैं जो भी बनेगा। बाय।